भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी कोई मुकाबला होता है तो एक ही उम्मीद होती है, वो उम्मीद है जीत की उम्मीद। दोनों मुल्क यही चाहते हैं कि एक दूसरे को हराकर मुकाबला जीते, और ऐसा ही कल कुछ हुआ। मैच खेला जा रहा था इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल, भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। बड़ी उम्मीदें थी भारत की तरफ से कि भारतीय टीम अच्छा खेल रही है, पाकिस्तान को हरा सकती है, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर विभाग में पाकिस्तान कल भारत से आगे था, और पाकिस्तान ने भारत को 128 रन से एक तरफा हरा दिया। इस मैच में बहुत हद तक पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग, साथ ही खराब अंपायरिंग भी जिम्मेदार कही गई। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने दूसरी बार ये टूर्नामेंट जीता है। 2013 में जब इमर्जिंग एशिया कप शुरू हुआ था तो उस बार भारत ने जीता था, और अब 10 साल बाद पाकिस्तान ने फिर से एक बार इमर्जिंग एशिया कप जीत लिया है और भारत को फाइनल में हरा दिया है। इस फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से तैयब ताहिर ने शानदार खेल दिखाया। पाकिस्तान के इस 29 साल के बल्लेबाज ने टीम को मुश्किल स्थिति से निकाला और दमदार पारी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर दिया। ताहिर की पारी के दम पर ही पाकिस्तान की पूरी टीम 50 ओवर खेलने के बाद 8 विकेट खोकर 352 रन बनाने में सफल रही। ताहिर ने इस मैच में 108 रनों की पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 71 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके और 4 छक्के मारे। यहां आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि ताहिर ने हाल में ही पाकिस्तान के लिए T20 डेब्यू किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेली थी जिसमें ताहिर को चुना गया था। इस साल मार्च में इन दोनों टीमों ने 3 मैचों की T20 सीरीज खेली थी जिसमें ताहिर को मौका मिला था, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो पाए थे। इन 3 मैचों में उनके बल्ले से महज 39 रन निकले थे। ताहिर ने पाकिस्तान सुपर लीग 2023 में भी शानदार खेल दिखाया था, और इस दौरान उन्होंने बताया था कि वो भारत के विराट कोहली और अपने देश के कप्तान बाबर आजम के बड़े फैन हैं और दोनों को आइडल मानते हैं। फाइनल मुकाबले में बेशक पाकिस्तान जीत गया, भारत की हार हुई है, लेकिन एक सवाल खड़ा हो गया है, क्या यह मुकाबला बराबरी का था? इमर्जिंग एशिया कप यानी जूनियर टूर्नामेंट, ऐसे खिलाड़ी जो युवा और इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने की कगार पर खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तो बूढ़ों की टीम उतार दी। इमर्जिंग एशिया कप 2023 की पाकिस्तान टीम में 4 ऐसे खिलाड़ी जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है। फाइनल मुकाबले में शतक लगाने वाले तैयब ताहिर तो 29 साल के हैं, 26 जुलाई को वो 30 साल के हो जाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय टीम की उम्र 22 साल से ज्यादा नहीं, यानी अंतर साफ दिखता है। पाकिस्तानी टीम में शामिल खिलाड़ियों के पास 85 इंटरनेशनल मैच का अनुभव है, तो दूसरी तरफ इंडिया के किसी खिलाड़ी के पास इंटरनेशनल अनुभव नहीं है। देखिए, कहने वाले तो ये कह सकते हैं कि भारत हार के बाद बहाना बना रहा है, लेकिन मुकाबला हमेशा बराबरी का होता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी सीनियर टीम उतार दी, उनके सामने भारत की जूनियर टीम थी, और ये मुकाबला पाकिस्तान जीत गया।